क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको ये फिगर के बने ये रही। तो ये इनफाइनाइट है, अंडरस्टूड है, ये पीछे से इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, सेमी सर्कल है, इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है। तो आपको बी कहाँ निकालना है, इसके सेंटर ओ पे, तो ओ पॉइंट पर आपको बी निकालना है, क्या होगा? तो रूल नंबर वन, ये वायर के एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है। तो अगर वायर के एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बी का क्या होगा, जीरो किया था हमने। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है तो बी जीरो हो जाता है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली यही होगा कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है तो ये देखो ये वायर है इसके एक्सिस पे तो ये जीरो, तो ये क्या, ऐसे इस वायर के एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का फॉर्मूला सबको आता है, म्यू नॉट बाय फोर पाई थीटा आई बाय आर में थीटा की जगह पाई। कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन लिख दें, डायरेक्शन, क्योंकि सेमी सर्कल है तो चार फिंगर करंट के साथ, कैसे, ऐसे। तो बी कैसे आएगा, इनसाइड। तो आंसर में क्या आएगा, इनसाइड, दो वायर का जीरो और तीसरे का इनसाइड आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, आपको ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, देखो इसमें तो आपको बी कहां पे निकालना है, सेंटर पे। तो ये वायर नंबर वन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, जीरो। वायर नंबर टू का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो। वायर नंबर थ्री सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, म्यू नॉट बाय फोर पाई पाई इंटू आई बाय आर। डायरेक्शन देखें, सेमी सर्कल है तो करंट की डायरेक्शन में चार फिंगर, ये देखो ऐसे। तो बी कैसे आएगा, इनसाइड, तो ब्रैकेट में लिख देना इनसाइड, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लिख रहे हो, वेक्टर लगा देना, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमने कर लिया, क्वेश्चन सेम है, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है प्लीज। तो ये सीधी जा रहा है, सीधा जा रहा है करंट और ऐसे गोल के, तो एक सर्कल है और एक इनफाइनाइट वायर है। तो रूल नंबर वन, आपको यहां पे B की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो ये फर्स्ट वायर है, ये सर्कल सेकेंड है, तो B1 इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू I डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? डायरेक्शन बोलो, स्ट्रेट है वायर, थंब करंट के साथ, बोलो आउटसाइड इनसाइड क्या, थंब ये रहा। तो बी कैसे है, आउटसाइड, तो बी आउटसाइड, वेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट ये है सर्कल, सर्कल की वजह से बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू पाई आई बाय आर। डायरेक्शन बोलो, चार फिंगर करंट के साथ, अब तो कैसे, आउटसाइड, तो यहां पर भी आउटसाइड, तो वेक्टर। तो नेट B की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्योंकि दोनों आउटसाइड हैं तो दोनों को क्या करें, ऐड कर दें 2i बाय r,
तो नेट डायरेक्शन में क्या लिख देंगे एंड में? आउटसाइड. आंसर समझ में आ रहा है यहां तक? आउटसाइड आउटसाइड तो ऐड होंगे ना. ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ जी आगे आंसर, चलो ट्राई करते हैं, देखो तो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें आप चार हिस्सों में वायर को बांटेंगे, एक दो तीन और चार, तो ये वायर के एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है नो कंट्रीब्यूशन, इस वायर के एक्सिस पे लाई करता है नो कंट्रीब्यूशन, ये अगर आर्क है तो बी वन की वैल्यू इज म्यू नॉट बाई फोर पाई एल्फा थीटा आई बाई ए, और ऐसे ही बी थ्री की वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई, ये आर्क भी एल्फा एंगल बना रही है आई बाय बी। डायरेक्शन देखें, नीचे वाली आर्क फिंगर्स घुमाओ, बी कैसे आएगा आउट, तो यहां पर क्या आएगा आउट, इसमें कैसे आएगा इन, तो ये इन, कौन बड़ा है बी वन की बी थ्री, बी वन का रेडियस छोटा है, बी वन का रेडियस छोटा है तो बी वन बड़ा है, तो नेट जो वैल्यू आएगी वो बी वन में से बी थ्री को क्या कर देना है माइनस, और नेट आंसर भी कैसे आएगा आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहां तक यश क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड नेट बी की वैल्यू एट ओ, तीन हिस्सों में बांट लें, इस वायर के एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है तो कंट्रीब्यूशन जीरो, इस एक्सिस के ऊपर ओ पॉइंट लाई करता है इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो, ये आर्क है, ये आर्क ने एंगल क्या बनाया थ्री पाई बाय टू, 270 डिग्री का मतलब थ्री पाई बाय टू, तो बी की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट बाय फोर पाई, थीटा की जगह थ्री पाई बाय टू इन टू करंट आई डिवाइडेड बाय आर। डायरेक्शन बोलो इनसाइड, तो डायरेक्शन इज इनसाइड आंसर, ठीक है यहां तक क्लियर है? थीटा आई बाय आर लगाया, थीटा की वैल्यू बड़े आर्क, देखो थीटा इसमें ये नहीं होगा, थीटा इसमें ये होगा 360 में से 90 क्या 270 का मतलब 3 पाई बाय 2 होता है, तो बड़े आर्क ने जो एंगल बनाया वो आपको कंसीडर करना है इसमें, राइट? ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसका आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या करनी है आपको, सबसे पहले इसमें एक रिजल्ट को समझो, अगर ये करंट कैरिंग वायर है एक एंड से इनफिनिटी, एक एंड यहां पर खत्म हो जाता है और आपको भी यहां पे निकालना है, देखो अगर ये यहां तक जाती वायर तो आप इसमें एंगल फाइव वन ढूंढते तो फाइव टू तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंगल क्या होगा पाई बाय टू, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वायर खत्म ही हो गई, तो फाइव वन क्या हुआ यहां पर जीरो और फाइव टू क्या हुआ यहां पर 90, तो B का फॉर्मूला में समझ में आया 90 और 0 के पुट किया तो B कैसे निकलेगा इस केस में, क्लियर है? अब इधर देखो क्वेश्चन है, करंट आता है इनफाइनाइट वायर से, दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाता है, तो अगर मान लो I करंट आया तो आधा इधर फिर मिल जाता है और फिर इनफाइनाइट वायर में वापस चला जाता है, आपको भी यहां पर निकालना है। देखो फर्स्ट वायर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वायर का बी क्या होगा, तो ये वायर यहां से लेके यहां तक है सपोज, और आपको आर डिस्टेंस देना चाहिए था, चलो आर ले लो यहां पर इमेजिन कर लो, तो आपको आर डिस्टेंस पे बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा बी वन का, बोलो बी वन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई करंट आई डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ कितना जीरो प्लस साइन ऑफ कितना 90, कोई डाउट इसमें साइन जीरो प्लस साइन 90,
सर इसमें इनफाइनाइट बार वाला फॉर्म है ना, सर एम नॉट बाय 4 पाई 2 एक आई बाय तरफ से आर। इनफाइनाइट है, दूसरे में इनफाइनाइट नहीं है, ओके सर। ठीक है? तो क्लियर है, डायरेक्शन देख लें प्लीज, बोलो कैसी होगी। इसकी वजह से यहां पर बी क्या होगा, डायरेक्शन। कितने लोग बोलते हैं आउटसाइड, करंट की डायरेक्शन में थंब आउटसाइड, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आउटसाइड। तो ये रूल क्लियर है यहां तक। अच्छा ये बताओ, इस सेमी सर्कल ने यहां पर बी क्या लगाया, म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई आई बाय आर। इसने भी क्या लगाया, सेम पाई आई बाय आर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी वजह से बी कैसे होगा आउटसाइड, इसकी वजह से बी कैसे होगा इनसाइड, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो इनको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। लास्ट ये रहा, फिर सेम केस है, यार डिस्टेंस है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट आई बाय आर, साइन ऑफ कितना 0 प्लस साइन ऑफ कितना 90। सेम डायरेक्शन बोलो, करंट यहां जा रहा है, थंब इधर है, तो बी कैसे है आउटसाइड, तो यहां पर क्या है, तो बी नेट क्या होगा, B1 और B4 की वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल देना, और ब्रैकेट में क्या लिख लेना, आउटसाइड, क्योंकि दोनों आउटसाइड है, दोनों ऐड हो जाएंगे। सही, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको बी कहां पर निकालना है, ओ पे। तो फर्स्ट वायर का देखते हैं, बी वन, बी वन क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट आई डिवाइडेड बाय आर वन, क्योंकि आर का इसका रेडियस क्या है, आर वन। एंगल क्या सबटेंड किया, छोटा अगर एल्फा तो बड़ा कितना, 2 पाई माइनस एल्फा, तो थीटा आई बाय आर वन। क्लियर है फॉर्मूला, थीटा की जगह 2 पाई माइनस अल्फा। डायरेक्शन बोल दें प्लीज, करंट ऐसे जा रहा है, चार फिंगर ऐसे जा रहे हैं, तो थंब कैसे जाएगा इनसाइड, तो यहां पर क्या आएगा इनसाइड, ठीक है। इस वायर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, इस वायर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक्सिस पे लाई करता है। नेक्स्ट है ये 3, B3, तो B3 क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इनटू एंगल क्या है इनके बीच में, एल्फा डिवाइडेड बाय आर टू, तो डायरेक्शन इनसाइड, तो ये भी कैसे होगा इनसाइड। तो जो नेट बी की वैल्यू होगी वो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आंसर नेट डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, इनसाइड आंसर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट देखो, इसमें सेंटर ओ पॉइंट पर नेट बी निकालना है, तो इसके अंदर एक वायर है, एंगल 90, तो आधा 45 45, और ये डिस्टेंस क्या है ए, जो गिवन नहीं है आपको, आर गिवन होगा पेपर में, तो आप यहाँ साइन या फिर कॉस कॉस ऑफ 45 लगाएंगे, जो कि ए अपॉन आर, तो यहां से ए की वैल्यू आएगी आर कॉस 45, निकालना पड़ेगा आपको ए। तो आप ये फर्स्ट वायर के सेकेंड, तो बी वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए, ए को ये पुट करेंगे साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। डायरेक्शन बोलो, स्ट्रेट वायर है, थंब ये रहा, बी इनसाइड, तो यहां पर क्या आएगा इनसाइड ये रहा। अब आएगा ये आर्क, तो बी टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, एंगल एंगल क्या है 3 पाई बाय 2, क्योंकि टोटल 90 है तो 270 का मतलब 3 पाई बाय 2 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर, ए यहाँ पे क्या आएगा आर्क जो है वो आर रेडियस का है। डायरेक्शन बोलो, चार फिंगर आर्क ये, तो बी कैसे होगा इनसाइड, दोनों को क्या करेंगे एड इनसाइड इनसाइड एड आंसर, ठीक है यहां तक। ठीक, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, देखो इसमें दो लूप्स हैं, दो सर्कल्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक इसी के बीच में वर्टिकल है, आपको सेंटर पे बी निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल ये रहा, करंट ऐसे घूम रहा है, तो बी कैसे होगा इसकी वजह से ऊपर, तो सर्कल के सेंटर पे बी क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, डन, और एक में करंट बाहर आ रहा है ऐसे, तो बी कैसे होगा इधर, तो इधर का मतलब ये रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अब टोटल बी क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, तो अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक। और अगर डायरेक्शन निकालनी है तो मान लो एंगल है थीटा,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वन, तो थीटा क्या आएगा 45 डिग्री। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है राइट। सो इसके बेस पे जो नेक्स्ट है, हाँ एक और क्वेश्चन आपने करना है, याद आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। सपोज एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, करंट आ रहा है आई, ये यहां से ऐसे घूम गई, तो रेडियस है इसका आर, ठीक, तो आर इज द रेडियस, ये रहा आई, आर इज द रेडियस। फिर क्या हुआ, ये वायर बाहर आ गई, देखो ये बाहर, ये ऐसे बाहर आ गई, मतलब ये बोर्ड, अब मैं बोर्ड के बाहर आ रही है एक्चुअल में ऐसे, पर मैं आप कैसे ड्रॉ करूं बाहर की तरफ, तो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। एक्चुअल में क्या डायग्राम, ये वायर ऐसे और ऐसे। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज ये जो एक्सेस है, ये जो एक एक्सेस है दूसरा, ये रहा, और ये एक और एक्सेस है, ये रहा, ये जो एक्सेस है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एक्सेस है इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड वाई, ये वाई है, ये जेड है, और सपोज ये एक्स है। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड सी पे निकालना है, क्या होगा आंसर? मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर वायर की बात करते हैं, फर्स्ट वायर के लिए, पहली वायर के लिए पहले ये लेते हैं, यहां तक वायर है, तो ऑब्वियसली बी वन की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर साइन 0 साइन 90। मैग्नीट्यूड क्लियर है बी वन का, सिंपल डायरेक्शन बाद में देख लेते हैं। अब बात करते हैं वायर नंबर टू सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल के लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, मैग्नीट्यूड क्लियर है इसका भी। तीसरा बी थ्री, बी थ्री के लिए अगेन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर, तो ये डिस्टेंस क्या है यहां से आर। अब सोचिए वायर ऐसे है, देखो ऐसे, तो एक एंगल क्या होगा 0 और एक क्या होगा 90, तो साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 90, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सर एक बार थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला ऐसे मत देखो प्लीज, थर्ड वाला ऐसा देखो, ये वायर ऐसे है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के साथ एंगल क्या है 0, ये 90। यस सर, 0 और 90, ठीक है। डायरेक्शन पे आए, ठीक है, डाउट डायरेक्शन, फर्स्ट करंट ये रहा, तो बी कैसे है आउटसाइड, इसमें करंट ऐसे, बी कैसे है आउटसाइड, इसमें करंट बाहर, तो बी कैसे है लेफ्ट, लेफ्ट क्यों, अगर क्योंकि थंब बाहर है तो मेरी फिंगर्स ना ऐसे घूमेंगे, इमेजिन करो ऐसे, क्योंकि करंट बाहर है ना, फिंगर्स ऐसे घूमेंगे तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो डायरेक्शन कहां आएगी लेफ्ट, राइट, क्लियर है, देखो ना यहां पे ऐसे लेफ्ट, थंब बाहर है लेफ्ट,
अब प्रॉब्लम है B1 B2 आउट है और एक लेफ्ट है, ये क्या ऐड करेगी सबट्रैक्ट करे पता ही लग रहा है, आउट और लेफ्ट को कैसे ऐड सबट्रैक्ट करे कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए जान के उसने एक्स वाई जेड एक्सिस दिया है। तो जब मैं बोलता हूँ आउट है, तो आउट का मतलब है आप इसके पीछे लिखेंगे, आउट में कौन सा एक्सेस है एक्स, तो पीछे लिख दें आई कैप का मतलब बाहर की तरफ है, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है बाहर। ऐसी सेमी सर्कल का भी क्या था आउट था, पीछे क्या लिखेंगे आई कैप, और ये लेफ्ट है लेफ्ट में क्या लिखेंगे, राइट में वाई एक्सिस है लेफ्ट में माइनस जे कैप है, तो तीनों वेक्टर को ऐड कर देंगे आंसर आई जे के में अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है यही ऑप्शन मिलेगा आपको आई जे के में। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें मेंशन करनी है डायरेक्शंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ही होगा आपको खुद ही बनाना, आपको ऑप्शन दिखेंगे आई जे के में, किसी ऑब्जेक्टिव में इन आउट लिखेगा, किसी में क्रॉस डॉट लिखेगा, किसी में आई जे लिखेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको ऑब्जर्व करना है। लेफ्ट क्यों यहां पे, इसलिए क्योंकि राइट क्या है वाई, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, तो यहां क्या हुआ माइनस जे कैप। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, नाइन हो गया था 59 शीट, हाँ ये हो गई थी, ये करनी नहीं है, ये है नहीं आपकी इसमें एक्चुअली, मैंने हटा दी है 60। देखो ये कंपटीशन के अंदर कैसी प्रॉब्लम आती है ये एक बार दिखाता हूँ, वो एनसीईआरटी वाली थी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट मेंस में, वो आपको क्वेश्चन देगा कि एक ना स्पाइरल की फॉर्म में करंट कैरिंग वायर है, देखो स्पाइरल कैसे, पहले रेडियस ए, फिर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और आखिरी में बी, ए से स्टार्ट होता 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 बी, इसमें करंट ही करंट है, आपको सेंटर पे बी निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको इनिशियल रेडियस पता है, तो आप एक रिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/8 डन, अब आखिरी का भी निकाल सकते हैं लेकिन बीच का कैसे निकालेंगे क्योंकि हर रेडियस की वैल्यू डिफरेंट है, कोई डाउट इसमें, आर की वैल्यू इसमें डिफरेंट है, ठीक है ना यहां तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन गिवन है, तो इमेजिन करें पहला रेडियस ए और आखिरी रेडियस बी है, और बीच में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसके बीच में इमेजिनरी एक पोर्शन लेते हैं, ये पूरी रिंग्स, इन जाल बिछा पड़ा रिंग्स का, हमने एक छोटा सा इसका जो पोर्शन ले लिया, और ये पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, मैंने इतना पोर्शन कंसिडर कर लिया, ये रहा, तो ये पोर्शन मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, इस पोर्शन की थिकनेस क्या है डी आर, और रेडियस क्या है इसका आर, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न तो एन है, अब इसके अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं मुझे पता नहीं क्योंकि वायर बहुत पतली है, इसके अंदर भी कुछ टर्न्स तो आएंगे, मान लो कितने टर्न्स आ रहे हैं डी एन, टोटल टर्न्स एन है, तो इस शेडेड पोर्शन में कितने टर्न्स हैं डी एन, डी एन निकाल लेते हैं कैसे, अगर आप यहां से बिल्कुल आउट पे जा रहे हैं तो थिकनेस कितनी है बी माइनस ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें एन, राइट, तो बी माइनस ए थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स एन, अगर वन है तो एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और अगर थिकनेस कितनी है डी आर, तो डी आर थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू कितना डी आर, तो ये क्या आ गया मेरे पास डी एन, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए जो डीएम है। ये पॉइंट समझ में आया कि ए से बी के बीच में जितनी भी वायर्स हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न तो एन है ना, तो थिकनेस कवर्ड क्या है बी माइनस ए एन, वन है तो ये रहा डी आर है तो इतना है, तो डीएन आ गया। अब ये बताओ इसका रेडियस अगर आर है तो इसके सेंटर पे बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I/R, लेकिन इस थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं डीएन, तो डीएन से रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया, तो जो हमने पोर्शन कंसिडर किया शेडेड उसमें टोटल बी क्या आएगा डीएन से मल्टीप्लाई करके, अब डीएन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, तो डीएन को यहां पुट कर दिया तो इंटीग्रेशन डी आर में आ गई, तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया डीबी एक स्मॉल पोर्शन की वजह से, पर हमने तो ए से बी का निकालना है, हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन,
तो इंटीग्रेशन में इनिशियल रेडियस ए और फाइनल बी है, तो सब कांस्टेंट है, 1 बाय आर के इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर है, एक बार आर की जगह बी, एक बार आर की जगह ए, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपको दिखेगा, ये मार्क करना है। नॉर्मली ये मेन्स में आता हुआ दिखे पर नीट में आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है यहाँ तक तो एक आइडिया है, एनसीईआरटी में नहीं आएगा ये ऑब्वियसली। अब इसका मिलता जुलता क्वेश्चन एक और आ गया, इस बार उसने क्या किया, आपको बहुत सारी रिंग्स दे दी, इनफाइनाइट दे दी, एक में करंट लेफ्ट, एक में राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इनफाइनाइट, हर रिंग का रेडियस डिफरेंट है, आर, दूसरे का 2R, तीसरे का 2² R, चौथे का 2³ R, एट्स ऑल। तो बी सेंटर में निकालना है, तो इस इनर रिंग का बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4π 2i बाय आर, म्यू नॉट बाय 4π 2i बाय आर, राइट। और जो अगला रिंग होगा उसका बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4π 2i बाय 2R, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। पर प्रॉब्लम यह है कि पहली रिंग अगर बी कैसे जनरेट कर रही है बाहर, तो दूसरी रिंग कैसे जनरेट कर रही है अंदर, तो एक बाहर एक अंदर, दोनों क्या होगा माइनस, नेट बी निकालने के लिए दोनों रिंग से दोनों को माइनस, तो माइनस किया। ऐसी अगली रिंग बाहर और उसकी अगली अंदर, तो फिर से एक प्लस एक माइनस इन्फिनिटी, तो यहां से कॉमन निकाल लिया। मेडिकल के लोग समझ लें, नॉन मेडिकल समझ में आ गया, जीपी बन गई है। तो ये जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि अगर किसी भी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, तो देखो रेशियो क्या आ रही है, माइनस 1/2, माइनस हाफ। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनफाइनाइट तक अगर ऐसे चलता जाए तो सम टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है मैथ्स में, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 1, आर का मतलब रेशियो यानी कि माइनस हाफ, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ना थोड़ी करेक्शन भी है, यहां पर पाई भी आएगा हर जगह, क्योंकि ये रिंग्स है ना, तो ये पाई आई बाय आर बनेगा ऐसे। तो आइडिया समझ में आ रहा है, ये भी कंपटीशन का एनसीईआरटी का नहीं है, नीट में थोड़ा मुश्किल है, नीट में पहले वाला ठीक है, पर नॉन मेडिकल में तो आया ही हुआ क्वेश्चन ही है। तो आइडिया तो कुछ भी ऐसा देना स्टार्ट करेगा, तो नॉन मेडिकल को जीपी वाली सीरीज आती है तो कर सकते हैं वो सॉल्व, मेडिकल में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। तो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में ये ना वायर्स है बहुत सारी आपको इसमें गिवन है, करंट ही करंट, करंट ही करंट, करंट ही करंट है। तो इसके अंदर इसके सेंटर पे आपको बी निकालना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इसके मिड पॉइंट पे अगर आपको बी निकालना है तो जीरो होगा, वो क्यों, क्योंकि जितना भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आउटसाइड उतना ही बी ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इनसाइड। दो पैरेलल वायर के सेंटर पे अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो सेंटर पे बी जीरो होता है। तो देखो इसमें सिमेट्री कैसे बन रही है, ये जो भी बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा यहां पे और ये जो भी बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा यहां पे वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जो भी बी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये कॉन्ट्रीब्यूट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सिमेट्री है। तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे आपने हैंडल करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। आपका होमवर्क, आपने सब्जेक्टिव शीट नंबर जो ट्राई करनी है अगली क्लास से पहले, 37, शीट नंबर 37 बस ये करके लानी है आपने।